और मुनव्वर भाई को कुछ मत कहे। कल मेरे घर के दरवाजे आप पर बंद हो गए थे और आज आपके घर की चार दीवारी मेरे लिए तंग पड़ गई। नाजों में पली है वो, सख्त हालात में तोड़ कर रख दिया उसे मामा। मैं सच कह रही हूँ आपसे, मैं सच कह रही हूँ। मैं अपने दिल में तुम्हें वो जगह नहीं दे पा रही जो तुम चाहते हो। जिस रिश्ते का कोई मुस्तकबिल नहीं, उसके हाल पे मैं सिर्फ अफसोस कर सकती हूँ। अखियां नु तेरी दीद दी बना चाहिए। पता है सारी, आज बाबा ने मुझसे सारा के बारे में पूछा। अच्छी बात है, मगर तुम्हारी बहन कोई ना कोई ब्लंडर जरूर करेगी। बड़ी सरफिरी लड़की है वो, उसकी एक गलती का खमियाजा हम लोग अभी तक भुगत रहे। तुम्हारी बाबा की बीवी है ना, बहुत शातिर औरत है वो। मेरा मशवरा है तुम्हें कि तुम अपने बाबा का बिजनेस जल्द अज जल्द टेक ओवर कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ उस औरत के पास चला जाए और तुम्हारे डैड के पास कुछ ना रहे। मैं भी तो यही चाहती हूँ, इसलिए कब से कह रही हूँ कि पाकिस्तान चलते हैं, मगर आपके पास तो फुर्सत ही नहीं है। बताएं ना, हम कब जाएंगे पाकिस्तान? इस वीक में तो नहीं, नेक्स्ट वीक में देखते हैं। क्या हम हमेशा के लिए चले जाएंगे? बेला, मेरा यहाँ बिजनेस है, तुम्हारी नजर में मेरे बिजनेस की कोई वैल्यू नहीं है क्या? मैं नेक्स्ट वीक में तुम्हारी टिकट करा दूंगा, तुम चली जाना ठीक है, और अपने बाबा के पास जितना चाहे रह लेना ठीक है। थैंक यू सारिम, खुदा हाफिज। अरे सारा बेटा, आओ आओ बैठो। शबाना चाय तो ले आ जल्दी। बस आ गई अम्मा, आ गई। और सारा बेटी के लिए नाश्ता भी लेकर आना, कब तक नाश्ता बनाती रहेगी, जल्दी आ। अम्मा आ गई। अम्मा आपकी लाडली बहू से कहें अगर नाश्ता करना है ना तो सुबह हमारे साथ उठ जाया करें, 9 बजे बना दिया करूंगी मैं इसके लिए नाश्ता। टाइम देखें, दोपहर के खाने का टाइम हो रहा है, मैं नाश्ता बनाऊं या फिर दोपहर का खाना बनाऊं? बच्चे भी आते होंगे, उनको भी मैंने खाना देना है। और साफ सी बात है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है कि मैं हर बंदे के लिए अलग-अलग ज्यादा नाश्ता बनाऊं। सारा बेटा, इसकी बात का बुरा मत मानना, इसको तो बड़बड़ाने की आदत है। नहीं आंटी, उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा, मुझे अपनी रूटीन सेट करनी होगी ताकि मेरी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो। अरे बेटा कोई मसला नहीं है, तुम्हारा अपना घर है, इसके बच्चों को तो स्कूल जाना होता है, फिर इसे नाश्ता बनाना पड़ता है, खाने की तैयारी करनी पड़ती है। अभी तो तुम इन झंझटों में नहीं पड़ी हो ना, तो मजे से दिन गुजारो। आंटी एक बात कहूँ, मैंने वहाँ पर आपके हाथ का खाना बहुत मिस किया। सच? हाय मेरी बच्ची, जीती रहे। देखा सास और बहू में कितना प्यार है आपस में, जीते रहो बेटी जीते रहो। ये तो बताओ कि अभी लेकर कहाँ जा रहे हो मुझे? पहले आपके फेवरेट स्पॉट सी साइड पर लेकर जाऊंगा और उसके बाद आपकी पसंद की जगह से आपको खाना खिलाऊंगा। तुम्हें सुबह वाली बात मेरी याद है? सारा देखें, ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, इतना तो मैं अफोर्ड कर ही सकता हूँ। अफोर्ड करने की बात नहीं हो रही, जो मैंने कहा है वैसा ही करोगे, समझे? अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं फिर आप मेरी पसंद की जगह पर खाना खा लेंगी? हाँ क्यों नहीं, और भी तो लोग खाते होंगे ना वहाँ पर, और सबसे बड़ी बात तुमने भी तो खाया होगा, तो मैं क्यों नहीं। एक बात कहूँ आपसे सारा, ये वक्त बहुत खूबसूरत है, इसे जितना एंजॉय कर सकती हैं कीजिए। आपने बहुत दुख देखे हैं लेकिन
लेकिन अब नहीं। अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दें, मुझ पर भरोसा कीजिए। आपको कहीं गिरने नहीं दूंगा, आगे बढ़कर थाम लूंगा। भरोसा रखिए मुझे। चलो से चली जाऊंगी तो ये सब बहुत मिस करूंगी। बाबा के घर से निकलने के बाद जो जिंदगी मैं गुजार रही हूँ ना, इसका एक एक लम्हा मैं किसी डायरी में लिखकर महफूज कर लेना चाहती हूँ। ये कोई आम जिंदगी नहीं है जो मैं गुजार रही हूँ। इन मुख्तसर से दिनों में मेरे साथ वो हुआ है जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। कितनी अजीब बात है, यादों को साथ रखना और उन यादों को जिनको शायद कभी आप याद रखना ही ना चाहते, भुला दीजिएगा ये सब। लेकिन ये सब मैं याद रखना चाहती हूँ, खास तौर पे वो वक्त जो तुम्हारे साथ गुजरा। तुम्हारा एहसान, ख्याल, ये सब मैं कैसे भुला सकती हूँ? सारा,
मोहब्बतों में एहसान नहीं होते, फर्ज होते हैं, हक होते हैं, भरोसा होता है और मान होता है। उस मान का एतबार होता है, बस यही मान निभा रहा जो आपको मुझ पर है। मगर ये सब मुझे अच्छा लगने लगा है, मैं इस एक एक लम्हे को एंजॉय करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे मत रोको, इस फैमिली को देखो कितने खुश नजर आ रहे हैं ना ये लोग। हालांकि मैं जानती हूँ कि इनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि ये किसी महंगे होटल में जाके खाना खा सके, पर दे लुक सो हैप्पी। मैंने अपनी क्लास के लोगों को कभी इतना मगन और मुतमईन नहीं देखा। कौन सी ऐसी आसाइश होगी जो उनके पास नहीं होती, पर फिर भी उनकी आंखों में एक बेकली सी झलकती है, एक अधूरापन। तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, खाने पर ध्यान दो। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सन, आपको याद है ना कि आपने 8 बजे घर पहुंचना है, सरप्राइज है आपके लिए, डिनर एक साथ करेंगे। शाजमा प्लीज, मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ, मुझे इन सरप्राइज के चक्रों में मत डालो। बता दो क्या है। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, आपको खुद तो कुछ याद ही नहीं रहता, अब मेरा सरप्राइज भी खराब करेंगे। अच्छा प्लीज टाइमली पहुंच जाइएगा घर, ठीक है? मैंने कुछ गेस्ट भी इनवाइट किया। अल्लाह हाफिज। लेकिन यार भी तो होना है। ये तुम कहाँ जा रहे हो? सर घर जा रहे हैं। नहीं, तुम एक काम करो, वापस ले लो, मुझे रास्ते में कोई काम है। साबिर चाचा आपके लिए। अरे सारा बेटी, तो बड़ा प्यारा कुर्ता है भाई, जुमे की नमाज में इसी को पहन के पढ़ूंगा। अच्छा लगा आपको? बहुत प्यारा है माशाल्लाह। आंटी ये आपके लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा जोड़ा है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये रंग पसंद है? हाँ मुझे लगा ये कलर आप पे बहुत सूट करेगा। और भाभी ये आपके लिए और बच्चों के लिए। जहीन, अपनी बेगम को शॉपिंग पे कहाँ ले गए थे, तवाज बाजार या फिर मंगल बाजार? सारा बहुत बुरी बात है, मैं कब से अपनी बारी का वेट कर, मेरे लिए कुछ नहीं लाई तुम? सारा वो ली तो थी तुमने शर्ट अनवर भाई की, दिखाओ ना वो उनको। हाँ। अरे ज़हीन तुम बैठो, मैं भाभी आके देखता हूँ। मैं देखता हूँ। अस्सलामुअलैकुम हसन साहब, आप आइए ना प्लीज, अंदर आइए। अब्बा अब्बा जल्दी बाहर आए, देखें हसन साहब आए हैं। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम सर। आइए ना अंदर साहब। इंप्रेसिव शाज़मा, आप बहुत अच्छे से वेलकम करना तुम उसे। हम ना एक काम करेंगे, लाइट्स ऑफ कर देंगे, जब वो एंटर होगा लाइट्स ऑन, फिर एक रोमांटिक सी स्माइल के साथ उसको वेलकम करना। तो भाई वो खुश होगा, खुश होगा तभी तो हमारे साथ नए प्रोजेक्ट पे काम करने को तैयार होगा। उसे खुश कैसे करना तुम मुझे सिखाओगे? फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगी। अच्छा, यानी अब तक उससे बेजारी के ड्रामे कर रही थी तुम? ज्यादा बोलो मत, मेहमानों को यहां बुलाओ, आने वाला होगा। साहब आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? वापस कब आए? अरे इतने सारे सवाल आपने एक साथ पूछ लिए। आपके साहब पहली बार हमारे गरीब खाने पे आए हैं, बड़ी इज्जत अफसाई की आपने सर हमारी। आप इनके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाइए ना। मैं कुछ लेकर आता। अरे अब आप बैठिए, मुझे बताइए क्या लेके आना है। नहीं नहीं, इसकी कतन जरूरत नहीं, आप किसी तकल्लुफ में ना पड़े। ऐसा कैसे हो सकता है? सारा बेटी के वालिद पहली बार हमारे घर में आए और हम उनकी खातिर ना करें? खाना खाए बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकते। देखिए मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया। अच्छा फिर चाय जरूर पीजिएगा। अरे शबाना जा तू, अच्छी सी चाय बना के लेकर। अरे रुक जा रुक जा रुक जा। अनवर तू होटल में जा, वहां से अच्छी सी चाय बनवा के लाना और साफ सुथरे कप में लाना, बिल्कुल सफाई से। सही। प्लीज मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं पहले भी कह चुका हूँ किसी तकल्लुफ में पड़ने की जरूरत नहीं। आप लोग इत्मीनान से बैठे, मैं बस अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूँ। सच बाबा, आप बाकी मुझे यहां से लेने आए? हाँ बेटा। आप सिर्फ सारा को लेने आए? अगर तुम्हारा कोई सामान है तो जाके ले बेटा। जी मैं अभी। आप सारा को यहाँ से कैसे लेकर जा सकते हैं? वो तो इस घर की बहू है। ये सारा जो है वो इनकी बेटी है, अगर वो लेने आए तो उनको भेज दो, सारा को कुछ अर्से अपने घर रहेगी वो, बाद में हम खुद आके ले आएंगे उसको। दरअसल मैं सारा को हमेशा के लिए ले जाने आया। बेटी है मेरी, मानता हूं कि उससे गलती होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे यूं रुलने के लिए छोड़ दूं। गलती मुझसे भी हुई है, मैंने उस पर ज्यादा सख्ती की, जिसकी वजह से उसे ये सब मुश्किलात देखनी पड़ी। साबिर तुमने इन दिन मेरी बेटी का ख्याल रखा, उसके लिए बेहद शुक्रिया। क्या करें उसका बाप,
सारा हमारी बेटी है, ये मैं नहीं लूंगा, इसको अपने पास रख। लेकिन साबिर मैं तो ये शुक्रिया के तौर पे दे रहा हूं। ये शुक्रिया मुझे कबूल नहीं है, आप इसको रखे अपने पास, हमारी घर की इज्जत है वो, क्या इज्जत का सौदा करेंगे हम? कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। अरे मैं तो अपने दुश्मनों को भी बेइज्जत करने के बारे में सोच नहीं सकता। अरे मैं ये रकम मुआवजे के तौर पर नहीं, शुक्रिया के तौर पर देना चाहता हूँ। मुझे ये शुक्रिया कबूल नहीं। अब यहां कभी वापस नहीं आएगी, तुम तलाक के पेपर तैयार करो। एक्सक्यूज मी। ज़हीन के पाप ये क्या कहकर चले गए? क्या हुआ? जाए सारा, प्लीज। तुम वादा खिलाफी कर रहे हो सही। नहीं रह सकता आपके बगैर। कपड़े नहीं रखे आपने? एक दो दिन ही रुकेंगी ना? मेरी वार्डरोब वहां पे भरी हुई है, महंगे कपड़ों का क्या करूंगी? ये तुम किसी ऑर्फनेज में दे देना। सहीन, मैं अब वापस नहीं आऊंगी। अगर मैं बोला तब भी? इस बात का जवाब तुम जानते हो ज़हीन, हमें तय हुआ था कि हम सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे और कुछ नहीं। आँखें नम है, टूटा भरम है, तू ही वजह है, ये तेरा करम है। जाए सारा, प्लीज। तुम वादा खिलाफी कर रहे हो सही। हाँ, फिर रहा हूँ अपने वादे से, कर रहा हूँ वादा खिलाफी, नहीं रह सकता आपके बगैर। बना चाहिए।
प्लीज प्लीज मत जाए, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। प्लीज मैं आ जाऊंगी, कल आ जाएंगी ना आप पक्का? अगर नहीं आई ना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। ये सब क्या हो रहा है शाजमा? और भाष तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सब लोग किस खुशी में आए? एहसान साहब आप तो शायद भूल गए, मगर शाजमा को सब याद था। आज आपकी शादी की पहली सालगिरह है ना, उसने आपके लिए सरप्राइज पार्टी दे रखी है, और हमें तो मालूम ही नहीं था कि आप सारा बेटी को लेने गए। अब सारा की वजह से इस पार्टी को चार चांद लग जाएंगे। अरे सारा उधर क्यों खड़ी हो, इधर आओ ना बेटा, हमारे साथ आओ। मैंने तुमसे कहा भी था शाजमा, मुझे इस किस्म के सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं। कम से कम तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था। ऐसा मैंने ये सब कुछ आपको खुश करने के लिए अरेंज किया है। आप कितना अपसेट थे अपने बिजनेस की वजह से, तो मैंने सोचा बस आप इस तरह चेयर अप हो जाएंगे। आपकी नजर में क्या मेरी इतनी भी अहमियत नहीं? चले माना एहसान साहब आपको पसंद नहीं, लेकिन अब जबकि शाजमा ने सब अरेंज कर लिया है तो आप इसकी कुछ इज्जत रख लें। इतने सारे मेहमानों को बुला लिया इसने। मुझे याद था लेकिन कारोबारी मसूफियत की वजह से जहन से निकल गया। आप लोग तो जानते हैं फिर ऐसे कामों में। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, फ्रेश हो जाओ, सुबह मिलते हैं। आप लोग प्लीज आइए, खाना रेडी है प्लीज। मेरे बाबा की वजह से मुझे सब वापस मिल गया। अब मैं ये चीजें इस्तेमाल कर पाऊंगी। मैं आज के बाद पापा को कभी नाराज नहीं करूंगी, उनकी हर बात मानूंगी, कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो मेरे बाबा हैं, वो मेरे लिए कैसे गलत सोच सकते हैं? मैं ही गलती पर थी।
मैं ही गलती पर थी। अब्बा आप 10 लाख रुपए का चेक वापस कर रहे थे तो शबाना ये चेक वापस रख दे। अम्मा ऐसा भी क्या हो गया, देख ही तो रही हूँ सिर्फ। कौन सा मैं ये चेक कैश करवा के आ रही हूँ, ऐसी भी क्या बेतबारी आपको मुझ पर। और अगर इतना ही अफसोस हो रहा है ना आपको उसके जाने का, तो फिर ये चेक उनसे कबूल क्यों नहीं कर लिया था आपने। कौन सा बड़ा एहसान कर दिया चेक दे के उन्होंने हमको, बल्कि उल्टा हमने सारा पे इतने खर्चे कर दिए। याद नहीं है आपको, कॉफी के बगैर तो उसकी सुबह नहीं होती थी, नहीं रात को नींद आती थी। जहीन डब्बे लाता था कॉफी के, और नाश्ते में भी पता नहीं कौन कौन से डब्बे आते थे अल्लाह जाने। और अनवर तो दूध डबल रोटी और फ्रूट लाला के थक गया था। इतना तो उसने अपनी सगी औलाद के लिए ना किया जो उसके लिए किया। शबाना जहीन ने तो अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह ना अम्मा उस पर लुटा दी थी। मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो कम अज कम 2-3 लाख का खर्चा तो हमने सारा पे कर ही दिया होगा, तो इतना तो हक हमारा बनता है ना इस चेक पे। ये किस तरह की बातें कर रही हो बहू, हम खुदा ना खासा सारा को इसने नहीं रखना चाहते कि वो हसन साहब की बेटी है। वो हमारी घर की इज्जत है, जहीन की बीवी है वो। जिस तरह तुम हमारी बहू हो इसी तरह वो भी हमारी बहू है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि बड़े घर की बेटी मेरी बहू बने, लेकिन अब तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो बस जाए इस घर में, खुश रहे जहीन के साथ। वाह भाई अम्मा वाह भाई, ये भी आपने खूब कही। जिस तरह एहसन साहब अपनी बेटी को लेकर गए इस घर से, आपको लगता है कि वापस भेजेंगे उसे दोबारा इस घर में। शायद आपने सुना नहीं, मगर मैंने अपने कानों से सुना है, कह के गए वो जहीन को कि तलाक के पेपर तैयार रखना। पता नहीं किस खुशफहमी में जी रहे हैं आप दोनों की, अल्लाह ही जाने। ले लें अपना चेक, संभालें इसको। खराब हो गया इसका भी। क्या जरूरत थी हाँ मेरे पूछे बगैर सबको बुलाने की? अरे शादी की एनिवर्सरी सादगी से भी मनाई जा सकती थी। ऐसा मैं तो सिर्फ आपको खुश करना चाहती थी। मैं इन बचकाना हरकतों से खुश नहीं होता। मेरा बिजनेस क्राइसिस में और तुम्हें ये चोंचले सूझ रहे हैं। तुम्हें पता है मुझे सरप्राइजेस से सख्त नफरत है। 2 जवान बेटियों का बाप इस उम्र में दूसरी शादी की सालगिरह मनाते हुए अच्छा लगूंगा? अरे मेरा सोसाइटी में एक इमेज है, सब लोग क्या सोचते होंगे। शर्मिंदा करके रख दिया सबके सामने तुमने। सब सोचते होंगे कि आपकी बेटी आपके बारे में क्या सोचती होगी। आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको शर्मिंदगी आपकी बेटी के सामने हो रही थी। मेरे साथ सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करते तो आपकी प्यारी बेटी को तो बुरा लग जाता ना। आप उसके सामने ऑकवर्ड फील कर रहे थे। फजूल बातें मत करो। फजूल बात मैं नहीं आप कर रहे हैं सर। अपने ड्राइवर के साथ चोरी छुपे निकाह करने वाली बेटी को आप घर ले आए तब आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, और मेरे साथ एक जायज तालुक सेलिब्रेट करते हुए आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उस बेटी को घर ले आए जिसने आपकी इज्जत और नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज और बोला तो। मैं आपको नोट कर रही हूँ, जब से आप मुल्क वापस आए आपका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं। पहले आपने मुझे कसूरवार ठहराया कि आपके बिजनेस के नुकसान की वजह मैं हूँ, और सारा का गुस्सा सारा मुझ पे निकालते हैं। आखिर मेरा कसूर क्या है? जिस बेटी ने आपकी इज्जत हाथ में मिला दी उसे माफ करके आप घर वापस ले आए, तब आपने नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे? और मेरे साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आज आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि आपकी नजरों में मेरी क्या हैसियत है सर? मेरी क्या हैसियत है आपकी नजरों में? Thank you.
तुम इस घर में वापस आ तो गई हो, लेकिन मैं तुम्हें टिकने नहीं दूंगी। तुम एक बार फिर इस घर से जाओगी और पहले से ज्यादा जरूर होकर जाओगी। मत जाएं सारा, नहीं रह सकता आपके बगैर। हेलो बिला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सारा। मैं रूम लॉक करके सारिम से चुप कर बात कर रही हूँ। कोई और वक्त होता तो मैं तुमसे कहती कि मत लिया करो रेस्ट, लेकिन आप कहूंगी उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? तुम अभी फोन ना करती तो मैं सुबह तुम्हें खुद फोन करती। सब खैरियत है ना सारा? हाँ बिल्कुल। क्या बात है सारा, खुश लग रही हो? तुम्हारी जॉब का मसला हल हो गया ना? अब सारे मसले समझो हल हो गए हैं। पहेलियां क्यों भुजवा रही हो, सही से बताओ ना क्या बात है। तुम गेस करो इस वक्त मैं कहाँ हूँ। सारा नहीं करो ना, प्लीज बताओ। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। मैं इस वक्त अपने घर में हूँ बेला। क्या? वही घर जहाँ हम दोनों पैदा हुई, जहाँ पली बड़ी, जहाँ तुम्हारी शादी हुई और जहाँ से मैं निकली। मैं इस वक्त हयात पैलेस में हूँ बेला, अपने बाबा के घर में। सारा तुम सच कह रही हो? ये कैसे हुआ? सारा मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे इस वक्त कितनी खुशी हो रही है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बेटा? शर्मिंदा ना करें बाबा, आपको इजाजत की क्या जरूरत है? खुश हो? अपने घर आकर कौन खुश नहीं होता, लेकिन ज्यादा खुशी इस बात की कि आप मुझे खुद लाए हैं यहाँ। बाबा आपने मुझे माफ कर दिया है ना? दिल से माफ किया है ना? इतनी बार पूछूं क्या, मुझ पर यकीन नहीं है तुम्हें? मैं अब से आपको कभी तंग नहीं करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी। इट्स माय प्रॉमिस। मैं बहुत थक गया हूं, मैं सुकून चाहता हूं। तुम्हें पता नहीं है कि शायद मैं कितने स्ट्रेस से गुजर रहा हूं। प्लीज अब इस घर में मैं मजीद कोई तमाशा नहीं चाहता।